तो डियर स्टूडेंट्स, लेके आ गए हैं आपके लिए हम एग्जाम्पल 2.1 क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी कि सॉल्यूशन से। ठीक है, ये सीबीएसई एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है और आप लोग के क्लासरूम में भी ढेर सारी बार होमवर्क्स आए होंगे, इसलिए आप लोग यहाँ पर अधिकतर बच्चे इस वीडियो देखने के लिए जरूर आए होंगे। तो यहाँ पर बात है क्या, सवाल में हम लोग को कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास। दैट मीन्स एक सॉल्यूशन मेरे पास में है, उस सॉल्यूशन को बनाए हैं जो हम लोग, उसमें 20% इथिलीन ग्लाइकोल और बाद बाकी 80% पानी दिए हुए हैं। दैट मीन्स ये हो गया कि आपको मास परसेंटेज आपको सॉल्यूशन में दिया हुआ है इथिलीन ग्लाइकोल का। और जान लीजिए यहाँ पर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की एक बूंद का लें या फिर अगर हम एक पूरे बर्तन का ले लें, कंसेंट्रेशन सेम रहता है। मतलब ये हो गया कि अगर 100 ग्राम में 20% अगर इथिलीन ग्लाइकोल है तो उसका एक बूंद सॉल्यूशन में भी 20% ही इथिलीन ग्लाइकोल होगा, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसमें जो है कंसेंट्रेशन पूरा यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट होल बॉडी। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये हो गया बच्चों कि यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन को कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी ग्राम में सॉल्यूशन को मान सकते हैं और उसमें 20% हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल कर देंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या करना पड़ेगा, हमको मोल निकालना पड़ेगा दोनों ही कंपोनेंट का, दैट मीन्स वाटर का भी निकालना पड़ेगा और यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल का भी निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल दिया हुआ है तो डेफिनेटली वाटर ही हमारे पास सॉल्वेंट में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आसान से लैंग्वेज के लिए हम लोग करते क्या है, एकदम 100 का सॉल्यूशन मान लेते हैं। तो 100 में 20% इथिलीन ग्लाइकोल है, माने 100 में 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल होगा। ठीक है, अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो 20 ग्राम उसमें इथिलीन ग्लाइकोल होगा और 80 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। तो यानी कि हम लोग क्या कर लिए, सॉल्यूशन में इसका ऐसे लिखेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव अगर बनाना होगा तो बड़ी फास्ट तरीके से डायरेक्ट भी लोग सॉल्व कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव में थोड़ा सा कुछ मंत्र वंत्र लिखना पड़ता है तो वो लिख दो आराम से। ठीक है ना, क्या लिखोगे यहाँ पर, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, देन जब इसको 100 माने हैं देन मास ऑफ C2H6O2 कितना हो जाएगा, 20 ग्राम, चूंकि ये 20% है 20 ग्राम हो जाएगा, एंड मास ऑफ वाटर बाद की रिमेनिंग कितना बचेगा, 80 ग्राम। यानी कि 100 का सोल्यूशन है जिसमें 20 ये है तो 80 ही ये होगा, डेफिनेटली है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको मोल में इनको कन्वर्ट करना है, मोल के लिए चाहिए मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास करेंगे तो मोल मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग मोलर मास लेंगे, डायरेक्ट मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6O2 की अगर हम लोग मोल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा इसका मास है 20, अब मोलर मास हो जाएगा कार्बन का होता है 12, तो 12 दुनी कितना हो गया 24 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का एक होता है तो 1 × 6 6 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 32 यहाँ पर हो गया, तो ये हो जाएगा 20 बटे 24 × 6 30 और 32 कितना हो गया 62, यानी 10/31 हो गया यहाँ पर मोल। ठीक है, इसको ऐसे रहने दिए, 10/31 मोल हो गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर की बात कर ले प्यारे बच्चों, तो वाटर हमारे पास में है 80 ग्राम और वाटर का मोलर मास 2, एक हाइड्रोजन का एक तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, प्लस 16 कर देंगे तो ये हो गया 80/18, यानी कि हमारे पास 2 से कटा देंगे 40/9 ये मोल आ गया। पॉइंट में कन्वर्ट नहीं किए हैं, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार में ही काम करेंगे, बार बार क्यों पॉइंट पॉइंट खेलोगे, एक ही बार में हम लोग पॉइंट डेसिमल में निकाल देंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों का मोल मिल गया तो अब आराम से मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन कहते किसको है, तो जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, जितने भी कंपोनेंट है सबके मोल को जोड़ दो, दो कंपोनेंट है दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल मोल बनेगा सॉल्यूशन का। तो प्यारे बच्चों हम लोग मोल फ्रैक्शन को एक्स से इंडिकेट करते हैं, देयरफॉर एक्स C2H6O2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल क्या हो जाएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल लो, यानी कि इसका मोल है 10/31 बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 10/31 प्लस 40/9 दोनों को जोड़ दिए। ठीक है ना, अब यहां पर बड़ी आसानी से हम लोग 10/31 रहने दिए और नीचे में एलसीएम ले लेंगे, 31 × 9 हो जाएगा, 31 31 खत्म, 9 × 10 90 प्लस 9 9 खत्म, 31 और 4 से 40 से गुना कर देंगे तो 1 0 आएगा, 4 1 4 4 3 12 तो ये फाइनली उलट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10/31 गुना
31 गुना 9 गया ऊपर, नीचे क्या रह जाएगा, 1240 प्लस 90, तो 0 9 4 13 इतना, 31 31 खत्म हो गया, 90 बटे हो गया 1330, ये खत्म, 9 बटे 133। अब प्यारे बच्चों इसको डिवाइड करना है हम लोग को, डिवाइड करेगा सिंपल तरीका है, 133 को हम लोग यहाँ से मान लीजिए 9 से डिवाइड करें, 9 में डिवाइड दे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, 1 0 फिर 0 तो ये 0। अब यहाँ पर हम लोग 6 बार में ये लगेगा, नहीं 6 बार में यहाँ पर जगह 6 3 18 हो जाएगा, 18 1 19, 6 1 7, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग और 7 करते तो यहाँ से ज्यादा हो जाता, तो यहाँ पर ये कट के हमारा 2 हो गया, 9 9 गया 0 हो गया, सॉरी 0 हो गया, 8 में 7 गया 1 हो गया, 102 बचा ना, अब 1 0 यहाँ पर आएगा, तो अब 8 बार में लगेगा, यानी कि 0.68 यहाँ पर, 0.068, 0.068 यहाँ पर आएगा मोल फ्रैक्शन। ये यूनिटलेस होता है, इसमें कोई यूनिट नहीं है बच्चों, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है। अच्छा याद रखिएगा, किसी भी सॉल्यूशन के सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन डिफाइंड ही होता है पूरे सॉल्यूशन के 1 मोल में जितने भी इंडिविजुअल कंपोनेंट के मोलों की संख्या होती है। जाहिर सी बात है पूरा सॉल्यूशन 1 मोल है तो बाद बाकी तो एक छोटा ही होगा ना, टुकड़ा टुकड़ा ना, तो वो सभी मोल फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पर पूरे सॉल्यूशन के सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को जब तुम जोड़ोगे तो वो हमेशा 1 आएगा, और हमारे पास 2 कंपोनेंट है, अगर इसका मोल फ्रैक्शन इतना आ गया है तो जाहिर सी बात है हम लोग अगर H2O का भी मोल फ्रैक्शन पूछ दे तो 1 माइनस 0.068 कर देंगे, जब 2 कंपोनेंट रहे तो डायरेक्टली 1 माइनस कर देंगे, और जब 3 4 कंपोनेंट रहे तो सबका निकालना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो बाद की सेम ही पक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप ऐसे ही H2O का मोल ऊपर लिखोगे, बाद के नीचे हम टोटल मोल कर दोगे तो वही आंसर आएगा जो अभी यहाँ आने वाला है। क्या आ जाएगा, 10 में 60 गया 2 हो जाएगा, 9 में 6 गया 3, 9 पॉइंट इतना, 0.932 ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सवाल बड़ी आसानी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश भी होंगे आंसर से, एक्सप्लेनेशन से, और ऐसे ही एकदम अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ में अगर न्यूमेरिकल आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और वीडियो को लाइक भी करना है, प्लेलिस्ट जरूर देख लो जाकर के, प्लेलिस्ट में आपके लिए सारे वीडियोज केवल और केवल आपके लिए रखे हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।